मैंने देखा काफ़ी सारी जगहों पे ऑनलाइन तो जो है ना ये मिल रहा था, लेकिन क्योंकि हमें 11th आवर पे सारी चीज़ें याद आती है ना, इसकी वजह से हम थोड़ा सा मुश्किल में आ गए। इसकी वजह से भाई मैं चारों टायर जो है ना चेंज करवा रहा हूँ फॉर द सेफ साइड, ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब बंदा लंबे टूर पर निकलता है तो थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में जो है ना टायर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरे साथ लास्ट ट्रिप के अंदर जो है ना एक बहुत ख़तरनाक सीन हुआ था, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था। अगर मैं वीडियो में दिखाता ना तो मेरे घर वालों ने ही मुझे नहीं छोड़ना था। मेरी वाइफ ने बोला कि बगैर शॉपिंग के कौन सी पिकनिक होती है, कौन सा टूर होता है, तो बस फंस गए हम लोग। अब आ गए हूँ तारिक रोड। ठीक, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? भाई कल काफ़ी सारी तैयारी तो हो गई थी, आज कुछ तैयारी बाकी है, वो भी हम लोग साथ ही करेंगे जो कल हमने साथ की थी, तो आज भी हम साथ करेंगे। सीन ये है बेगम, इम्तियाज़ जाना है पहले। अच्छा, आज जो है वो कुछ जाहिर सी बात है, खाने पीने के लिए वो कुछ रिफ्रेशमेंट की चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो उसके लिए इम्तियाज़ भी जाना है, ठीक है। इसके बाद फिर बच्चों के ट्राउज़र, मेरे ट्राउज़र वगैरह भी लेने हैं। फिर इसके अलावा मेरा एक मूड और भी बन रहा है कि यार हम इतनी खूबसूरत जगह पर अगर किसी जाते हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर कुकिंग करने का भी दिल करता है, समटाइम्स अपनी पसंद का कुछ खाना खाने का दिल करता है। तो चूल्हा जो मैं फर्स्ट टाइम लेके गया था अपने साथ, आप लोगों ने देखा होगा कुमराट, तो वो चूल्हा भी यार ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, मिट्टी के तेल से जलता है वो चूल्हा, तो मिट्टी का तेल भी याद दिलाना तुम, ठीक है ना? तो भाई कुकिंग का सीन भी तो होना चाहिए ना यार, है कि नहीं? तो चूल्हा भी ले लेते हैं, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि कम से कम सामान हो गाड़ी में, लेकिन फिर भी ना करते 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 भी थोड़ा बहुत बढ़ ही गया है सामान। चले भाई उठ जाए, दिन का स्टार्ट करते हैं, आज जुमे का दिन भी है, जुमे की तैयारी करते हैं, चले। और भाई हम पहले चूल्हा निकाल लेते हैं, ये वाला है, इसके पीछे वाला है। अच्छा ये है भाई, इसमें आपका भाई बेहतरीन कढ़ाई बना चुका है एक बार, ठीक है, तो एक ये आ गया। अच्छा एक और भी है अपने पास सीन, लेकिन इसका सिलेंडर मिल जाए ना तो ये मैं क्या था यूज़ करना ज़्यादा आसान है। इसका सिलेंडर का भी मालूम कर लेता हूँ, सही, अगर ये हो गया ना तो ये बिल्कुल VIP बेहतरीन सीन हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है ना इसको हैंडल करना आसान है, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको असेंबल करना जो है ना, ये देख लें, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसका वो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है यार। ये देखें भाई, इसको जो है ना थोड़ा सा असेंबल करना वगैरह जो है ना बस थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी जो है इसको आसान है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसका सिलेंडर वगैरह अगर मिल जाए ना तो ये आसान हो जाएगा। भाई आज भी धूप टाइट है, बारिश का आसरा लग नहीं रहा कहीं। खैर नमाज के बाद फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैंने पढ़ ली, और मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं नॉर्मली जोहर के बाद अपनी वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो आज जो अभी आप लोगों को ब्लॉग मिलने वाला है ना, मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकला हूँ और अब मैं इसको पब्लिश करने जा रहा हूँ, तो देखें आप लोग ब्लॉग। अब हम सामान लेने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन ये देखें हमारे माशाल्लाह लोगों को देखें कि गाड़ी, एक गाड़ी खड़ी हुई है सिंगल पार्किंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है ना बराबर में गाड़ी खड़ी करके चले गए। अब अल्लाह ना करे किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो तो खड़ा रह जाएगा, तो अल्लाह पाक जो है ना हिदायत दे लोगों को यार। देखें सुपरमार्केट आ गए, जो चीज़ें बाकी थी वो लेने के लिए आ गए हैं। मोहम्मद अहमद को बिठा दिया ट्रॉली में और अब स्टार्ट करते हैं कुछ शॉपिंग। ये लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मोहम्मद अहमद को हमने नीचे वाले पोर्शन में बिठा दिया और यहाँ आयशा को बिठा दिया, और आयशा ने तो जो है ना अभी से डब्बा पकड़ लिया केक का। हैं आयशा अभी से पकड़ लिया, वही खा रही। ये आ गए मोहम्मद अहमद के डायपर्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। वाह भाई यहाँ पे भी बारबेक्यू का फुल सीन है, ये देखें भाई ये कोयला और ये अंगीठी, ये थोड़ी सी स्टाइलिश सी अंगीठी है, अच्छी क्वालिटी की। खाने पीने का रिफ्रेशमेंट का सामान तो हमने ले लिया, अब इस जो है ना स्टोव का मसला हल करना है। उसके लिए हम जो है ना एक हार्डवेयर स्टोर पे आए हैं, अभी ज़रा देखते हैं क्या सीन है। मैंने देखा काफ़ी सारी जगहों पे ऑनलाइन तो जो है ना ये मिल रहा था, लेकिन क्योंकि हमें 11th आवर पे सारी चीज़ें याद आती है ना, इसकी वजह से हम थोड़ा सा मुश्किल में आ गए। ये आ गई भाई लिफ्ट, अब अंदर चलते हैं, एक हार्डवेयर स्टोर है यहाँ पर, मुझे लगा कि शायद मिल जाए हमको ये चीज़। चलो भैया ऊपर, ये आ गया भाई हार्डवेयर स्टोर, ज़रा यहाँ पर हम मालूम करते हैं। भाई इन्होंने चेक करके बताया कि ये आपको नाहिद स्टोर से इसका रिफिल मिल जाएगा, यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, वो नाहिद जा रहे हैं, करीब तरीन ऑप्शन जो है ना नाहिद का ही है हमारे पास, ठीक है, अल्लाह करे वहाँ से मिल जाए, टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। चले नाहिद चलते हैं, पहुंच गए हम लोग, बस अब घूम के आते हैं सामने से। अक्सर जो है ना मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी इंपोर्टेड चीज़ें मिलती हैं, बाहर की चीज़ें काफ़ी मिलती हैं, तो हो सकता है इस वजह से उसने कहा कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मिल जाए, और जितने श्योरिटी से उस बंदे ने कहा था ना, मुझे लगा इंशाल्लाह मिल जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पे तो ऊपर उन्होंने कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में भेज दिया था, खैर वहाँ से मैं गया दूसरी जगह पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इन्होंने बोला कि ये हमारे पास नहीं है। खैर मार्केट में, होलसेल मार्केट में एक बंदे का नंबर दिया है, अब उनको कॉल करके ज़रा पूछते हैं कि क्या सीन है। भाई जो नंबर दिया था उन्होंने, इस पर भी कॉल कर लिया, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है, और ये कोई बहुत बड़ा होलसेलर था तो इनके पास भी नहीं। अब इन्होंने बोला कि आप इम्तियाज़ पे ट्राई कर लें, इम्तियाज़ पे मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, इट मींस के मुश्किल हो गया भाईजान कढ़ाई वढ़ाई बनाना।
भाई जिस हार्डवेयर स्टोर पे मैं गया था उन्होंने मुझे बताया कि हमारे एक और आउटलेट है बुखारी कमर्शियल पे, वहाँ पे आप कॉल करके मालूम कर लें। और मैंने उनके नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने बोला भाई बिल्कुल अवेलेबल है, आप आ जाएं, और 8 बजे तक हमारा स्टोर खुला हुआ है। तो एक तरीके से तो ये गुड न्यूज़ मिल गई है। अल्लाह करे इसके अंदर काफ़ी सारे ये होता है कि काफ़ी सारे अलग अलग साइज़ के स्टोव आते हैं, अलग अलग साइज़ के सिलेंडर आते हैं, अल्लाह करे यही वाले का मिल जाए जो मेरे पास है, तो हम वहाँ पर चलते हैं। सही है, कढ़ाई का सीन ऑन लग रहा है। 25 मिनट गाड़ी चला के अब जो है ना फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ। वो देखे, वो रहा सामने, यहाँ है भाई, यहाँ ये चेक करें भाई। काफ़ी सारी जगहों पे घूमने के बाद जो है ना ये था इसका रिफिल, ठीक है ना, बुटेन गैस होती है ये, और ये इसके अंदर लग जाएगा, ऐसे जाएगा। सही, कुछ इस तरह का सीन होगा। कितने का है दोस्त ये? और ये इसी कंपनी का है, सही है ना, ये देखें इनके पास इसी कैंपिंग गैस इसी कंपनी का, 600 रुपीज़ का है। सही है, परफेक्ट। अब ये बंद हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से जब वो सीट खुलेगी अंदर जाएगा, इसके बाद फिर होगा। सही है, परफेक्ट हो गया। ये देखें भाई, ये इस तरीके से जाता है, ये इसका रिफिल अंदर। इसके अंदर जो है ना एक तो ये वाला है, ठीक है, और एक ये वाला, लेकिन जो हमारे पास स्टोव है इस पर लिखा हुआ है C206 चाहिए, ये है C206, ये देखें। लेकिन अब ये पियर्सेबल लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कुछ इस तरह का सीन बना हुआ नहीं है जिस तरह इसके ऊपर सील बनी हुई है। अब देखते हैं कि क्या सीन है, हम ज़रा प्रॉपरली चेक कर लेंगे, ऐसा ना हो कि हमारे लिए वहाँ पे जो है ना समझ लें सरप्राइज खड़ा हुआ हो जब हम वहाँ पहुँचे। परफेक्ट भाई, क्लियर हो गया। ये देखें, वीडियो ट्यूटोरियल हमने देख लिया, यही वाला 206 वाला इसके अंदर जाएगा। और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे नेल है, ये बिल्कुल सेंटर में नेल है, और इसको आप जैसे ही इसके ऊपर रखेंगे और घुमाएंगे तो वो खुद ही जो है ना इसको पियर्स कर लेगा और फिर रेडी हो जाएगा। लेकिन ये एक मरतबा इसका कार्ट्रिज अंदर गया तो फिर दोबारा आप निकाल नहीं सकते, ये इसी के साथ रहेगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। तकरीबन 2 आवर्स का जो है ना इसका आप इसको यूज कर सकते हैं इसको। ये देखें भाई, अपना काम हो गया, मैंने 2 कार्ट्रिज ले लिए इसके, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग बोले कि कहाँ से लिया आपने, तो ये पीछे नाम नज़र आ रहा होगा, जेबी सईद स्टूडियो, ये बुखारी कमर्शियल पे, यहाँ पे से सारी चीज़ें इस तरह की आपको मिल सकती हैं, आसानी होगी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब निकलते हैं यार, मैं यहाँ से निकला हूँ और पता नहीं क्यों अजीब सी एक आवाज़ मुझे फील हो रही गाड़ी के अंदर, लेकिन लगातार नहीं आ रही। जब मैं रेस देता हूँ उसके बाद छोड़ता हूँ तब आ रही है, ब्रेक देता हूँ तब। मैंने खैर अपने मैकेनिक को कॉल किया, मैं उसके पास जा रहा हूँ ज़रा दिखाने के लिए यार, ये एंड टाइम पे जो है ना चेक करा लें, पता नहीं क्या है। तो क्या क्या, चलें भाई वहाँ चल के देखते हैं ज़रा क्या सीन है। ये देख लें, हल्की हल्की जो है ना बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और एहतियाती तौर पर अगर कोई डाउट हो ना इंसान को, तो निकलने से पहले, स्पेशली लंबे ट्रिप पे निकलने से पहले, तो एहतियाती तौर पर जो है ना आपने गाड़ी वाले को दिखा देना चाहिए कि भाई आप देख लें, एक मरतबा चला के देख लें थोड़ा सा, अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, तो फिर आप उसको पहले रेक्टिफाई करें, पहले इसको रिजॉल्व करें। तो भाई इसीलिए मैं आ गया हूँ बस, जस्ट मैं मैकेनिक की शॉप के पास पहुँच गया हूँ। इसके बाद एक और मसला ये भी है कि यार टायर का भी एक मसला है, एक टायर भी मुझे देखना पड़ेगा, अगर चेंज कराना है तो चेंज कराना होगा। इसके बाद फिर आज एक दावत भी है, अब समझ नहीं आ रहा कि करेंगे क्या क्या, लेकिन करना तो है बॉस। भाई अब आवाज़ भाग गई, अब आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन मैंने बोला फिर भी आप एहतियाती तौर पे चला के देख लें। सही है, तो अब मैं आ गया हूँ बराबर वाली सीट पे और हमारे भाई चलाएंगे गाड़ी। मस्त वाली बारिश स्टार्ट हो गई है, और भाई मैकेनिक ने चेक कर ली गाड़ी और उसने बोला कि यार सही है, सारी चीज़ें ओके लग रही, कोई मसला नहीं। हो सकता है किस चीज़ की आवाज़ आ गई होगी, तो खैर उसने ड्राइव भी ले ली, सारी चीज़ें जितना हो सकता था उसने देख लिया, उसने बोला अल्लाह का नाम लेके निकले, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा, इंशाल्लाह लाने चाह। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा भाई, खैर आफियत के साथ सारा सफर गुजरे, हम खैरियत से जाएं, खैरियत से आएं। अच्छा, अब जो है ना आखिरी काम रह गया गाड़ी का टायर का, क्योंकि एक टायर पे जो है ना मेरे थोड़ा सा वो डैमेज लग रहा है मुझे, तो फिर मैं अब टायर वाली शॉप पे जा रहा हूँ, जरा इस मसले को भी देखते हैं और इसके बाद फिर जो है ना दावत की तैयारी करते हैं यार, ठीक है। अब लास्ट हमारा स्टॉप टायर शॉप आ गई है, सही है, और अब टायर का मसला फिक्स कराते हैं भाई। मैं चारों टायर जो है ना चेंज करवा रहा हूँ फॉर द सेफ साइड, ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए जब बंदा लंबे टूर पे निकलता है, तो थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में जो है ना टायर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरे साथ लास्ट ट्रिप के अंदर जो है ना एक बहुत ख़तरनाक सीन हुआ था, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था, अगर मैं वीडियो में दिखाता ना तो मेरे घर वालों ने मुझे नहीं छोड़ना था, जो लोग वीडियो देखते, तो वो मैं आप लोगों को गाड़ी में बैठ के सुकून से बताऊँगा कि हुआ क्या था। भाई ये दोनों टायर आ गए अपने, ये तीसरा टायर आ गया, ये चौथा टायर आ गया, अब फिटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग।
भाई टायर लगवा लिए, रात हो गई। देखें कितनी मेहनत का काम होता है, मतलब कितने सारे एफर्ट्स होते हैं मतलब यार एक ट्रिप के पीछे। तो ये सारे एफर्ट्स मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि भाई देखें इतनी मेहनत है, ठीक है। अब मैंने टायर सारे डलवा दिए हैं, तीन टायर यहीं पे छोड़ दिए, वो कल मैं अपनी लोकेशन में मंगवा लूंगा। और एक टायर मैंने अपने फिलहाल जो है ना गाड़ी में साथ रख लिया, क्योंकि ये काम आ सकता है, ठीक है। स्पेयर टायर तो गाड़ी के अंदर होता है लेकिन वो छोटा वाला होता है, ऐसे पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है ना आप उसको लॉन्ग रूट पे नहीं चला सकते, तो एटलीस्ट एक टायर आपके पास ऐसा होना चाहिए, सही है। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा दावत का टाइम है, भूखा घूम रहा हूँ भाई, कुछ ख्याल कर ले, सही है, कुछ खाते पीते हैं जाके। भाई वाइफ ने बोला कि बगैर शॉपिंग के कौन सी पिकनिक होती है, कौन सा टूर होता है, तो बस फंस गए हम लोग। अब आ गए हम तारिक रोड, ठीक है, यहाँ पे जरा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करा के इसके बाद दावत में जाएंगे। अच्छा मज़े की बात, आप लोग देखें शॉपिंग मेरी होनी थी, मेरे पास ट्राउजर नहीं थे, टी शर्ट नहीं थे, लेकिन आपके भाई का कुछ भी नहीं आया, सही है। मैं बगैर शॉपिंग के जा रहा हूँ और शॉपिंग हो रही है बेगम की। चलो भाई हो गया ये भी काम, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, अब हम जा रहे हैं दावत में। हम अब दावत में आ गए हैं और ये चेक करें, यहाँ पे फुल बारबेक्यू का सीन जो है ना ऑन है, मतलब पूरा दिन तो मैं भूखा था लेकिन अभी जो है ना बोटियाँ निपटाने का टाइम आ गया। भाई वैसे मैं दावत में बताए कहाँ आया हूँ, मैं अपनी बहन के घर पे आया हूँ। और ये इफ्रा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो इफ्रा, क्या खिलाओगी आज मुझे दावत में? बारबेक्यू मसाले वाली बोटियाँ, वाह कौन बनाएगा, खुद बनेंगी? अरे हम लोग बनाएंगे यार, हम लोग बनाएंगे। जाने से पहले भाई एक बोटियों वाला सीन तो हो जाए ना, इसके बाद मोटरवे पे तो आपको पता है कि किस तरीके जो चीज़ें मिल रही होती है वही खाना पड़ता है। ऊपर बोटियाँ वोटियाँ बन रही हैं, मैं नीचे नमाज पढ़ने के लिए आ गया था, तो लेकिन मैंने ये सोचा कि एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, जो मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया गया वो टायर से रिलेटेड एक सीन हो गया था मेरे साथ। वो सीन क्या हुआ तो मुझे अभी ख्याल आया थोड़ी देर पहले, तो मैंने बोला चले नमाज पढ़ने के बाद आप लोगों को बताता हूँ। भाई सीन ये हुआ था कि लास्ट टाइम जब मैं रोड ट्रिप से वापस आ रहा था, तो समवेयर बिटवीन सखर एंड हैदराबाद, कि अचानक ये हुआ कि मेरी गाड़ी जा रही थी और टायर मेरा बर्स्ट हो गया, मेरे बराबर में से निकल गया, मतलब टायर फट गया, पूरा बाहर आ गया था। और वो सीन मैंने व्लॉग के अंदर नहीं डाला था, क्योंकि अगर मैं व्लॉग में डाल देता ना यकीन करें मेरी बड़ी टाइट वाली क्लास हो जाती है, लेकिन अल्लाह पाक ने बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह पाक ने ऐसा बचा लिया कि बस टायर फट के बाहर आ गया और गाड़ी जो है ना उसके ऊपर आ गई, मतलब टायरलेस हो गई थी। और वहीं पे करीब में जो है वो एक मैकेनिक वगैरह था, तो हमने जो है वो स्पेयर टायर लगाया आगे जाके। तो कहने का मतलब ये है अल्लाह पाक ने करम किया था और सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई टायर के ऊपर आपको हल्का सा भी डाउट होना तो आपने रिस्क नहीं लेना होता, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या हो जाए, आप स्पीड में एक अच्छा खासा सफ़र तय करके आ रहे हो, तो इसीलिए। और फिर आपकी फैमिली आपके साथ होती है तो आपकी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो ये सिलसिला था भाई, टायर हमेशा आप चेक कर लिया करें। अब ऊपर बोटियाँ कहीं निकल नहीं जाए, चलते हैं ऊपर। देखिए ऊपर मैं आया हूँ और बोटियाँ साथ साथ चल भी रही हैं, ठीक है ना। अब हम ज़रा रिव्यू देते हैं इसका, ओए होए गर्मा गर्म वो देखें भाई, वो चेक करें, वाह भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा पंखे के सामने बैठते हैं, गर्मी बड़ी टाइट है, और चखते हैं क्या सीन है। क्या मसाला मैरिनेट हुआ है, क्या ज़बरदस्त तरीके से पकाई गई है, कच्ची नहीं बिल्कुल, बहुत मज़ेदार है भाई। बारबेक्यू की जो बोटी थी ना वो तो समझ लें स्टार्टर था, सर सही है। असल सीन तो अभी आया है, सही है। ये मेरी बहन ने बनाया है कीमा, तो हम ज़रा कीमा ट्राई करेंगे क्या सीन है। बिरयानी भी है लेकिन हम पहले जो है ना कीमा ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि कीमा जो है ना दिखने में बड़ा कोई क्लास का लग रहा है, ठीक है ना। अभी आप समझ लें कि ट्रिप पे जाने से पहले जो है ना फैमिली के साथ एक लास्ट डिनर, ठीक है, इंशाल्लाह वापस आके भी करेंगे। ये आ गया भाई कीमा, ओए हाय हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया भाई निकाला आप लोगों के लिए तैयार। बहुत ज़बरदस्त बनाया कीमा। मुझे जो है ना आज मैसेजेस आए कि बाजरे के आटे की जो कबाब आप लोगों ने बनाई थी उसकी रेसिपी चाहिए, व्हाट्सएप पे मैंने ना इंशाल्लाह भिजवाऊंगा। तो भाई कीमा बहुत ज़बरदस्त बनाया माशाल्लाह, आप खाना जो है ना ज़रा इंजॉय करते हैं, इसके बाद फिर मुलाकात करते हैं। भाई घर आ गया हूँ मैं, सही है, सारे काम कर लिए हमने। अभी भी मुझे याद आया कि यार ड्रोन तो चार्ज ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत सारी चीज़ें चार्ज वार्ज पे लगानी है, ठीक है। तो अब कल सुबह मिलेंगे आप लोगों के साथ, सही है। अभी हमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, हम कुछ पैकिंग शैकिंग फाइनल करेंगे और कल से ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, एक भी वीडियो आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। इसमें बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें शामिल है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले दो दिनों से कितना तैयारियों के अंदर आपका भाई लगा हुआ है। तो फिर मिलते हैं भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि कोई वीडियो आप लोगों की मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।